लकड़ी की हस्तशिल्प वस्तुओं को आकार देकर खूबसूरत वस्तुएं तैयार करने वाले हस्तशिल्प कुटीर उद्योग बंधुओं ने वन विभाग के खिलाफ अपने उत्पीड़न को लेकर पूरी तरह मोर्चा खोल दिया। मंगलवार को वुडन कारखानेदारों ने जिला उद्योग केंद्र पर अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया। इसके अलावा सर्किट हाउस पहुंचकर सांसद रुचि वीरा से मुलाकात की और अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा। वुडन कारखानेदार अपने हाथों से तैयार की गई लकड़ी की अनेक वस्तुओं को अपने हाथों में थामे जिला उद्योग केंद्र पर नारेबाजी करते दिखाई दिए, तो वहीं दूसरी ओर सांसद रुचि वीरा से दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस में पहुंचकर मुलाकात की और उनके समक्ष लकड़ी की वो तमाम वस्तुएं रखी जो उनके द्वारा कुटीर उद्योग के तौर पर तैयार की जाती हैं। वरिष्ठ बसपा नेता इरशाद सैफी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हाजी आजम अंसारी ने संयुक्त नेतृत्व में बढ़ईगिरी का कार्य करने वाले लोगों ने सांसद रुचि वीरा को बताया कि वन विभाग द्वारा पिछले 15 दिन से उनके बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किया जा रहा है। उनके कारोबार पूरी तरह से चौपट कर दिए गए हैं। बताया गया कि बढ़ईगिरी का काम करने के लिए एक छोटे आकार की कटिंग मशीन की जरूरत होती है, जिसकी तुलना वन विभाग के अधिकारियों द्वारा बड़ी आरी मशीन से की जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें लगातार वन विभाग द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, वन विभाग द्वारा कटिंग मशीन के पार्ट्स को खोलकर अनेकों बार ले जाया जा चुका है, जिससे उनका उद्योग प्रभावित हो रहा है। समय पर निर्यातकों के ऑर्डर पूरे नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि वो कच्चा माल सीतापुर, हापुड़ और जयपुर आदि जगहों से GST बिल और TP मंडी शुल्क अदा करके खरीदते हैं, जो कि पटलों के रूप में होता है। इसमें कोई भी गोल लट्ठा, गीला गट लट्ठा और हरा लट्ठा नहीं होता। सबका सब कच्चा माल जो कि पटले के रूप में होता है और पूर्ण रूप से केमिकल युक्त और सूखा हुआ होता है, जिसको हम अपनी कटिंग मशीन के द्वारा आकार देकर निर्यातकों को हस्तशिल्प वस्तुएं तैयार करके देते हैं। पूरी बात सुनने के बाद सांसद रुचि वीरा डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को फोन लगाती हैं, बातचीत करती हैं और उनके विभाग द्वारा जारी उत्पीड़न से उन्हें अवगत कराती हैं। जिला फॉरेस्ट ऑफिसर द्वारा समस्या का समाधान किए जाने का आश्वासन दिया गया और बुधवार को एक प्रतिनिधिमंडल को उनके पास भेजने की बात कही गई। वरिष्ठ बसपा नेता मोहम्मद इरशाद सैफी ने बताया कि ये जो कारखानेदार हैं, लकड़ियां काम करते हैं, सदियों से करते चले आ रहे हैं, पिछले एक हफ्ते से वन विभाग के अधिकारी इनका उत्पीड़न कर रहे हैं। इनका मानना यह है कि आप आरा मशीन का इस्तेमाल करते हो, जबकि हम लोग आरा मशीन का इस्तेमाल नहीं करते, हम कटर का इस्तेमाल करते हैं। हमारी लकड़ी काटने का ब्लेड भी आधा इंची चौड़ा है, जबकि आरा मशीन में 3 इंची चौड़ा ब्लेड होता है। हमारी मशीन पे मोटर चलती है 1 हॉर्स पावर की और आरा मशीन में चलती है 20 हॉर्स पावर की। हम तैयार माल लेके आते हैं, पक्के मिल से लेके आते हैं। हमारी लकड़ी की मोटाई 1 इंची होती है और लंबाई मैक्सिमम 3 फीट होती है। हम उसमें से छोटे छोटे आइटम काट के चिपका कर आइटम बनाते हैं। एक्सपोर्टरों को हम इसको सप्लाई देते हैं और एक्सपोर्टर से निर्यात करते हैं। निर्यात होने के बाद हजारों करोड़ की विदेशी करेंसी मुरादाबाद में आती है और सभी लोग इसमें हजारों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं। वन विभाग सबको बेरोजगार करना चाहता है और इस काम को बंद कराने पर आमादा है। वन विभाग से हमारी ये अपील है कि सदियों से चले आ रहे इस कारोबार को बदस्तूर चलने दिया जाए, यही हमारी मांग है। कल आप जिलाधिकारी से भी मिले थे, कल क्या आश्वासन? कल हम जिलाधिकारी महोदय से मिले थे, उन्होंने हमारी बात गंभीरता पूर्वक सुनने के बाद हमने ये सलाह दी थी कि आप ज्वाइंट डायरेक्टर साहब के यहाँ चले जाना कल, वो DFO साहब को लेके और बीच का कोई रास्ता निकाल के इस काम को निपटाएंगे। तो उसी के हम क्रम में आज जो है जिला उद्योग केंद्र में आए हैं और अभी तक कोई भी जिला उद्योग केंद्र का अधिकारी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये धरना आपका अनिश्चितकालीन है? अनिश्चितकालीन तो नहीं है, अभी मात्र विरोध प्रदर्शन है ये हमारा। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम फिर 2 अक्टूबर को लखनऊ जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जाकर हम बैठेंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम वहाँ से उठ के नहीं आएंगे। ये आज एक दिवसीय धरना? एक दिवसीय है। सांसद रुचि वीरा से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिस तरह पीतल भट्टी मजदूरों और संचालकों का सरकारी उत्पीड़न बंद कराया गया है, उसी तरह वुडन कारखानेदारों का भी उत्पीड़न बंद कराया जाएगा। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। वो भी मिलने के लिए आए थे और उन्होंने अपनी दिक्कत ये बताई कि पिछले 10 दिन से 12 दिन से उनका जो छोटा सा जो लकड़ी का वेस्ट होता है लगभग 1 इंच या उससे भी कम मोटाई का और 2-3 इंच चौड़ाई के जो वेस्ट फट्टे निकलते हैं सिल्ली से, उससे वो मतलब हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें बनाते हैं अपने हुनर से, और उनके पिछले 12 दिन से बंद कर दिया गया।
बहुत परेशान थे। आप समझ ही सकते हैं मजदूर के लिए उसकी रोजी रोटी खत्म हो जाए तो उसके बिल्कुल पेट पे लात मारना जैसा है। तो ये सब लोग अभी आए थे, मैंने डी एफ ओ साहब से भी मुलाकात की और डी एम साहब से भी मुलाकात हुई। उन्होंने डी एफ ओ साहब से कहा है कि भाई इनका निस्तारण करो, और डी एफ ओ साहब आज उपलब्ध नहीं है, उन्होंने कल 11 बजे का टाइम दिया है। एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा और उनसे मिलेगा, उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इनका काम शुरू करा दिया जाएगा। जो भी कुछ गलतफहमी है या जो भी कुछ चीज़ें हैं वो कल बातचीत से हल हो जाएंगे। इस दौरान मोहम्मद आरिफ नसीम, अनस मोहम्मद अफजाल, हाजी मोहम्मद आजम अंसारी, अब्दुल कदीर, मोहम्मद तस्लीम, मोहम्मद साजिद, साथ ही मोहम्मद याकूब, शरीफ अहमद, रागिब अली और मोहम्मद इब्राहिम सहित भारी संख्या में वुडन कारखानेदार मौजूद रहे।